गाइस नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल। जब भी देख रहे हैं इसके वीडियो प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाहते हैं हैप्पी न्यू ईयर का, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए। थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करिए, स्किप करिए आप ही का प्रॉब्लम हो सकता है। वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा लास्ट देखना है। वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल दबा दीजिए ताकि वीडियो डालते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। और फेस टू फेस वीडियो देख रहे हैं, फेस टू फेस को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिए ताकि हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर यानी कि वीडियो बनाकर किसी को मिस कर सकता है, यानी कि विश कर सकता है, तो वीडियो को यानी कि दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हाय गाइस, अभी जो वीडियो देख रहे हैं यानी कि जो अभी इंट्रो देख रहे हैं, इस तरह का इंट्रो अगर बनाना चाहते हैं तो इस इंट्रो का फुल ट्यूटोरियल का लिंक ऊपर आई बटन मिल जाएगा। उस वीडियो आई बटन पर क्लिक करके फुल ट्यूटोरियल देख सकते हैं किस तरह से इंट्रो बनाया जाता है। तो इंट्रो का बनाना नहीं भूलिएगा, जाकर इंट्रो मतलब आई बटन लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए बिना बकवास करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको कैनमास्ट ओपन करना है, ओपन करने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करिए और 60.9 रेशियो को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। उससे क्या करना, आपको एक वीडियो को सेलेक्ट करना होगा। जो वीडियो देखिए बताते हैं यही वीडियो है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो वीडियो को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना, आपको इसको इस जगह कुछ नहीं करना है, फिर फर्स्ट में जाना है। इसको इस वीडियो के बाद बताएंगे किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। उसका लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ सबको एक वीडियो लेना, ये वीडियो नहीं, इस जगह आपको क्या करना है, इमेज लेना है, ठीक है। जो बैकग्राउंड इमेज इसको ले लेते हैं, इसको आपको ले लेना, ठीक है। उसका लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है। बढ़ा देना है क्या करना, यहाँ स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करिए, इस स्क्रीन को फुल कर देना, ठीक है। फुल करने के बाद क्या करना, इस जो बैकग्राउंड इमेज इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्रोमा की का ऑप्शन देखिए, इस पर क्लिक करके स्विच को ऑन कर देना, ठीक है। स्विच को ऑन कर दीजिए और जो नीचे जो 50% दिख रहा है इसको क्या करना है, 50 से 52% कर देना है और ऊपर वाला जो है इसको 30% तक कर देना, ठीक है। 30 से 32% इसको करके इसको छोड़ देना, ठीक है। यहाँ से इसका काम खत्म हो गया। उसका क्या करना, आप जो वीडियो सेलेक्ट किए थे फर्स्ट वाला, इस वीडियो को ले लेना, ठीक है। इसको ले लीजिए और यहाँ ये ऑप्शन दिख रहा है, आइकन देखिए ध्यान दीजिएगा, इस आइकन पर क्लिक करना है और इसको क्या करना है, इसको ऊपर कर देना, वीडियो को सेलेक्ट करिए और इसको वीडियो को इस तरह से ऊपर कर देना, ठीक है। देखिए चलिए इस जगह ऊपर करके इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना है और यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक कर देना, ठीक है। प्लस आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करना क्या करना, आपको फिर से लेयर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ से एक वीडियो को और ले लेना, ठीक है। जो वीडियो होगा वाटर वीडियो होगा, पानी वाला जो होता है, पानी वाला वाटर वीडियो को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या करना है, नीचे आइएगा, क्रॉप का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए, इसको क्रॉप कर लेना, जो ग्रीन स्क्रीन इसको क्रॉप कर लीजिए। और यहाँ से क्या करना है, जो स्विच को ऑन कर दीजिए, यहाँ से स्विच को ऑन करके इसको क्या करना है, 40% तक इसको करके छोड़ देना, ठीक है। वेलोसिटी के यहाँ 40% तक करके छोड़ देना। उसका फिर से क्या करना है, जो वाटर वाला है इस वीडियो को सेलेक्ट करिए और साइज को बड़ा कर देना, ठीक है। इस तरह से बड़ा कर दीजिए और इसको इस जगह पर एडजस्ट करके 3 डॉट पर क्लिक करिए, इसको सेंड टू बैक कर देना, ठीक है। इस तरह से बैक कर दीजिए, बैक करके आपको देखिए इसका काम, यहाँ से काम आपका खत्म, ठीक है। अब फिर से क्या करना है, फिर से आ जाना है फर्स्ट में और फिर से लेयर क्लिक करना है, फिर से आपको मीडिया पर क्लिक करना है, ठीक है। इस जगह आपको एक इमेज लेना, ठीक है। जो इमेज होगा 2021 का जो इमेज है, इस इमेज को हम यहाँ सेलेक्ट करके इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस तरह से छोटा कर लेना है और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है, इस जगह पर एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट कर देना है क्या करना है, आपको इसको फिर से फर्स्ट में जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है। इसको हम एक डुप्लीकेट कर लेते हैं और डुप्लीकेट कर दे, यहाँ देखिए 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर क्रॉप का आइकन दिया, इस पर क्लिक करना है, इसको क्रॉप कर लेना, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देना है, सिर्फ 2 को रखना है, ठीक है। इस 2 को रखना है, बाकी जो अक्षर इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ से डन कर देना, ठीक है। डन कर दीजिए, डन करने के बाद क्या करना है, इस इमेज को सेलेक्ट करिए और चाबी का आइकन देख रहा है, की का आइकन, इस पर क्लिक करिए और इसको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉप कर लेना, ठीक है। स्क्रॉप करके यहाँ से इसको प्लस आइकन पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक कर दिए तो फिर से फर्स्ट में जाना है और 2 वाला 2 को इसको क्या करना है, इसको तरफ घींच कर इस तरफ ले आना, ठीक है। इसको ला के यहाँ पर एडजस्ट कर देना, ठीक है। इसका आपका काम खत्म। उसका जो सेकेंड वाला इमेज है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको भी क्रॉप करना है, इसको क्रॉप करना है क्या आपको हम बताते हैं। इसको थोड़ा नीचे आइएगा, क्रॉप का आइकन दिख रहा है, क्रॉप पर क्लिक कर देना है और इसको जो सिर्फ 21 को रखना है, बाकी इन्हें 20 को हटा देना, ठीक है। यानी कि 2 0 को हटा देना है और सिर्फ 2 1 को रखना है, ठीक है। 21 को रखना है और यहाँ से क्या, इसको भी डन कर देना, ठीक है। डन कर दीजिए, डन कर इसको इस इमेज पर क्लिक करिए, चाबी आइकन पर क्लिक करिए, इसको भी थोड़ा सा स्क्रो मतलब थोड़ा सा स्क्रॉप करिए, जैसे 2 आके इस जगह रुक रहा है तो इस जगह प्लस आइकन पर क्लिक कर देना, ठीक है। चाबी आइकन पर क्लिक करके इसको प्लस आइकन पर क्लिक करना है, इसको फिर से फर्स्ट में जाना है, इस इमेज को घींच कर इस तरफ ले आना, ठीक है। इस तरफ ला के यहाँ पर छोड़ देना, ठीक है।
उसका थोड़ा सा क्या करें, इस तरह से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। चलिए इस जगह पर सही रहेगा, चलिए इतना आप सही रहेगा। बीच में जो इमेज लगेगा वो आपको हम बताते हैं किस तरह से इमेज लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना, फिर से यहाँ पर इसका यहाँ से काम खत्म हो गया। उसके बाद फिर से लेयर क्लिक करना है आपको, मीडियम जाना है, ठीक है। मीडियम जाइए और यहाँ से एक जो लव पीएनजी इमेज है ये वाला आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें हम लड़की का इमेज देखिए लगाए हुए हैं। तो इसके इसमें लव पीएनजी का इमेज आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जो लव पीएनजी होगा उसको डाउनलोड कर लीजिए और इसके अंदर अपना इमेज लगा लीजिएगा। और इमेज कैसे लगाया जाता है आपको अगर नहीं पता है, इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हुए, तो जाके इसको इस वीडियो का लिंक आपका आई बटन मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए किस तरह से मतलब इसमें लड़की का इमेज या अपना इमेज इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। लगा लीजिएगा और इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, उसका लेयर को पूरा लास्ट से बना देना है और उसको अपने हिसाब से इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए इस जगह पर एडजस्ट कर लेना है, साइज को अपने मिलाकर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ये एडजस्ट हो जाएगा इसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए आपको इन एनिमेशन में जाना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इन एनिमेशन में जाना है और इसको इस पर क्लिक करना और नीचे आएगा ड्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ से हम ड्रॉप का देखिए ड्रॉप का आइकन दिख रहा है, इस पर ड्रॉप जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए, इसमें जो एक एनिमेशन लग जाएगा, ठीक है। एनिमेशन लग जाने के बाद क्या करना आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। उसका क्या करना है, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए और इस जगह आपको क्या करना है, फिर से लेयर क्लिक करना है और फिर से आपको क्या करना है, मीडिया यानी कि ओवर लेयर में जाना, ठीक है। ओवर लेयर में जाइए और नीचे आएगा, ठीक है। नीचे जैसे आइएगा हम बताते हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बनाने में, ठीक है। तो नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए इस जगह पर, इस जगह आपको बैलून का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसको हम बैलून को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है, इस तरह से बढ़ा दीजिए। बढ़ा देने के बाद क्या आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा साइज को छोटा करके और इसको इस जगह पर एडजस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दीजिएगा, इसको एडजस्ट कर देने के करना है, फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है। डुप्लीकेट कर लीजिए और फर्स्ट वाला को सेलेक्ट करना है, चाबी के आइकन पर क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉप कर लेना, ठीक है। स्क्रॉप करने के क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करके इसको फिर से फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के क्या करना है, इसको बैलून को खींच कर नीचे ले आना, ठीक है। इस तरह से नीचे आइए, उसका जो सेकंड वाला बैलून है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको चाबी के आइकन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्क्रॉप कर लीजिए और यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करके इसको इस बैलून को घींच कर इस जगह पर ले आना है और इसको फर्स्ट में चलाना, ठीक है। फर्स्ट में आइए और फर्स्ट में आने के बाद क्या करना है, इसको घींच कर इस तरफ ले आना, ठीक है। तो यानी कि दोनों बगल से देखिए इस तरह से निकलेगा, ठीक है। आपका यहाँ से इसका भी काम खत्म हो गया। इसका क्या करना, फिर से फर्स्ट में आना है, उसका फिर से लेयर क्लिक करना, ठीक है। और फिर से आपको ओवर लेयर में जाना है और ओवर लेयर में जाने के बाद क्या करना, थोड़ा नीचे आएगा तो यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। आपके पास नहीं आता है तो आप नीचे गेट मोर पर क्लिक करके आप जाके मतलब यानी कि इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपके कैन मास्टर में नहीं आता है ये वाला, ठीक है। तो मेरे वाला कैन मास्टर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए कैसे डाउनलोड किया जाता है, इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर आपको देख लेना, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं और सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, देखिए सबसे लास्ट वाला, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने क्या करना, इसको लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना, ठीक है। बढ़ा दीजिए, बढ़ा देने के बाद क्या करना, आपको रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए और सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इसको आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लीजिए, सबसे इसको नीचे ले आइए और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है, इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए। इसका भी काम खत्म आपका, ठीक है। तो फिर से लेयर क्लिक करना है आपको, मीडिया में जाना, ठीक है। मीडिया जाना ठीक करना है, यहाँ से आपको एक यानी कि इमेज ले लेना है, जो हैप्पी न्यू ईयर इमेज है इस इमेज को आपको लेना है, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर वाला इमेज इसको लेकर लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है, इस तरह से बढ़ा दीजिए। और क्या करना आपको देखिए इस तरह से साइज को थोड़ा छोटा करके और उसको इस जगह पर लगा देना, ठीक है। यहाँ पर लगा दीजिए, फिर से थ्री डॉट इसको क्या करना है, एक एनिमेशन डाल देना है। ओवर एनिमेशन जाने ओवर एनिमेशन जाने के बाद क्या करना है आपको, नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए फ्लोटिंग का ऑप्शन मिलेगा, देखिए इसको नहीं, यहाँ देखिए फ्लोटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। सेलेक्ट करके थ्री डॉट पर क्लिक करिए, इसको फिर से डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है। डुप्लीकेट कर लीजिए और इसको घींच कर इस तरफ आना है और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना, ठीक है। एडजस्ट कर दीजिए, उसके ऑडियो लगाने के ऑडियो क्लिक करके यहाँ से आपको ऑडियो लगाना है। तो वीडियो हम प्ले करके दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से वीडियो को हम प्ले करते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखिए प्ले करके देखिए कितना अच्छा बेहतरीन वीडियो बन चुका है। तो आप वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल दबा देगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियो डालते रहता आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दिया। आप फेसबुक पेज वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। और लास्ट में डिस्प्ले पर दो वीडियो शो करा है, तो दोनों वीडियो पर क्लिक किसी वीडियो एक वीडियो पर क्लिक करें, वीडियो को